चीज का मैंने सिर्फ पढ़ा था कि आप गौमूत्र दो तो यूटीआई किसी का भी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा बहुत सीरियस है, उसका तो इलाज हम प्रोस्टेट का बाद में पढ़ेंगे, यूटी का हो गया। मैंने वहाँ से पतंजलि से वो गौमूत्र मिला के जो हम नहीं भी पिलाते वो मैं इनको बिना बताए इनको पिलाया और खुद भी पिया, ठीक हुआ। मेरा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत रिलीफ मिला। और इनका यूटीआई का था, वो 3 दिन में वो मैं गौमूत्र दिया, जो मैंने इनको नहीं बताया कि इनको बताऊंगी तो ये पिएंगे नहीं। मैं इनको नाक बंद करके डाल देती थी तो इनको वजह से थी कभी। सर एक चीज़ बताइए, अब हार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, संदेश दे दीजिए। आपने कहा था कि हार्ट पर युद्ध स्तर पर काम करोगे, कैसे करना है वो काम? देखियो किसी भी तरह का, अगर आपको तेज चलने से सांस फूलता है, अगर आप ज़्यादा देर बैठ के खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आता है, या आप कई साल से ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हो, या कई साल से हार्ट की वो डायबिटीज़ की गोली खा रहे हो, तो आपकी हार्ट प्रॉब्लम तो है ही। लेकिन अगर आप सही डाइट, लाइफस्टाइल और पंचकर्मा को अपना लेते हो, जो हम लोग अपने हॉस्पिटल हिम्स में करते हैं या हमारे शुद्धि के क्लिनिक्स में जो आयुर्वेद से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, किसी को भी स्टंट डलवाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, और किसी को भी ना पेसमेकर डलवाने की जरूरत नहीं है। बॉडी अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करके ही उसको ठीक कर लेती है। मैं लास्ट में एक सूत्र से ख़त्म करता हूँ, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि शुद्ध देह करते जाओ 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियो। और इन्होंने गौमूत्र का बोला तो मैं बता देता हूँ, आज से लगभग 21 साल पहले मेरे बच्चा होने वाला था वाइफ के, तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, सीजन करना पड़ेगा। तो मेरे घर में पूरा हाहाकार मच गया, सीजन कराओ, मेरे को बोलते फार्म साइन कराओ, मैं कहा मैं तो नहीं करूँगा। मैंने फटाफट मेरे स्टाफ के लड़के को बोला देसी गाय के गोबर का 1 चम्मच गोबर लिया, मैंने उसका गोबर का जूस निकाला और मेरी वाइफ को पिला दिया। आधे घंटे में मेरी बिटिया नॉर्मल हो गई। उसके बाद ये मैंने कम से कम इस चीज़ को 100 लोगों को प्रचार करा। मेरे स्टाफ के कम से कम 10 बच्चे हैं, मतलब 10 लोग हैं जिनके कम से कम 15-16 बच्चे सब नॉर्मल पैदा हुए हैं। डॉक्टर ने बोला सीजन होगा, लेकिन जैसे ही वो देसी गाय के गोबर का अर्क पिलाते थे उसको, वो अच्छा नॉर्मल हो जाता है। ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि वो माइक्रोबायोम का खेल है, बैक्टीरिया होते हैं। पढ़ा ना 3500 पुराना वाद पाठ मैंने पढ़ा है, मैं उन सबको पढ़ती रहती हूँ। गुड बैक्टीरिया पढ़ते ना, मैं ये सब, ये है एक लुधियाने के वैद है, विश्वरूप चौधरी है, खादर वली है, इनका सबका, राजीव दीक्षित है। जब अभी जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि अगर बच्चा ऑपरेशन से डॉक्टर बोल रहा है और आप फटाफट देसी गाय के गोबर का 1 चम्मच गोबर का जूस पिला दोगे, होता क्या है, जो माइक्रोबायोम है, बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया जो हमारे पेट में भी आंतों में भी रहते हैं, वो अपने आप ही नेचुरली आपके बॉडी के अंदर के पेन्स को, मसल सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। हमारे पूर्वज क्या बोलते थे, 7वें महीने में 8वें महीने में पोचे लगाओ, नीचे बैठ के खाना पकाओ, बच्चे नॉर्मल होते थे। अगर मेरी इस वीडियो से किसी के भी नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाता है बिना ऑपरेशन के, तो मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा कि मेरे इस मैसेज से दुनिया का भला हो जाएगा। मैं जो पहले बात बता रहा था मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक आदमी को पेट में दर्द हुआ तो वो अपने फ्रेंड के पास गया, यार कोई मेरी प्रॉब्लम है क्या करूँ, कहता मैं इस डॉक्टर के पास गया, उसने 10 रुपये लिए, दवाई खाई ठीक नहीं हुआ। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, मैं उसने मेरे 20 रुपये लिए, दवाई खाई नहीं ठीक हुआ। फिर तीसरे के पास 30 रुपये लिए, दवाई दी, मैंने खाई नहीं, मैं ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, उन्होंने दवाई बंद कर दी है, अब ठीक हो। दोस्तों दवाई बंद कर दी है, और आचार्य मनीष जी ने, जिन्होंने देखो इतना बड़ा युद्ध स्तर पर आप सोचा है कि हार्ट के ऊपर भी काम करेंगे, पहले भी कर रहे थे लेकिन अब जरूरत आन पड़ी तो युद्ध स्तर पर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, और मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर बुजुर्ग दंपत्ति, माताएँ, अगर कोई बहन बहू, कोई भी आपके घर पर बीमार है, तो सबसे पहले एक बार हिम्स ले आना, क्या पता आप लाखों की लूट से और कटपिट से बच जाएँ। धन्यवाद।